लेक्चरर घोटाले में सीबीआई की रेड, आज पड़ी विमेंस कॉलेज रांची में सीबीआई की दबिश दिखी। लेक्चरर ममता केरकेट्टा से फिलहाल पूछताछ हो रही है। इस लेक्चरर को अपने साथ ले गई है सीबीआई की टीम। आपको बता दें, आर्ट्स ब्लॉक में इंग्लिश की लेक्चरर है ममता केरकेट्टा। 2008 में सामने आया था लेक्चरर घोटाला मामला, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मामले पर अपडेट के साथ। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, 2008 का ये घोटाले का मामला और अब सीबीआई की दबिश नजर आ रही है। फिलहाल एक प्रोफेसर लेक्चरर है सीबीआई के साथ, जिनसे पूछताछ की जा रही है। क्या और मामले में अपडेट है? दो हजार आठ में ये पूरे मामले की जो जेपीएससी के द्वारा नियुक्तियां की गई थी, इस नियुक्ति के क्रम में कई गड़बड़ियां हुई थी। और इस पूरे जांच के दौरान जब 2019 में 30 दिसंबर 2019 को 69 लोगों के खिलाफ सीबीआई ने इस पूरे मामले में अपना जो आरोप पत्र है वो दाखिल किया था, इसके बाद से ही लगातार इस मामले में अलग अलग लोगों की पहले भी गिरफ्तारी हुई है। और अब जाकर के रांची विमेंस कॉलेज के आर्ट्स ब्लॉक में जो इंग्लिश की प्रोफेसर है ममता केरकेट्टा, इनकी गिरफ्तारी हुई है। और इनके बाद इनके सीबीआई की टीम लगातार अब पूछताछ की जा रही है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की टीम जो है वो अपनी जो सीबीआई की अदालत है, कोर्ट है, उसमें पेश करेगा, फिर न्यायिक हिरासत में भी भेजा जा सकता है। चूंकि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से लेक्चरर घोटाला हुआ, 2008 की नियुक्तियां हैं, इसमें तत्कालीन जेपीएससी के अध्यक्ष सहित कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। तकरीबन इसकी संख्या 69 थी, 751 पदों के लिए नियुक्तियां पूरी हुई थी। इसके बाद से ही लगातार इस पूरे मामले में सीबीआई जांच कर रही थी। आज जब सीबीआई की टीम रांची विमेंस कॉलेज पहुंची थी, तो विमेंस कॉलेज में सबसे पहले प्राचार्य से मुलाकात सीबीआई की टीम ने की, उनको अपने दस्तावेज दिखाए और पेपर्स दिखा करके जानकारी दी कि इस मामले को लगातार सीबीआई की टीम जो है वो जांच कर रही है। जांच के क्रम में जो उनके अभी मौजूदा प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट की, उनसे पूछताछ के लिए उनको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। उनके पास अरेस्ट वारंट भी मौजूद है, जिसके बाद सारे दस्तावेजों की यहाँ पे प्राचार्य के कार्यालय में जांच की गई, देखी गई, उसके बाद सीबीआई की टीम ने उनसे अपने साथ लेके चले गए। अब बताया जा रहा है कि 4:30 से 6 बजे के बीच में सीबीआई के इसी जो कैंपस है, इस कैंपस में टीम पहुंचेगी और सीबीआई के द्वारा जो आरोप पत्र जिस पर दाखिल किया गया था ममता केरकेट्टा, उनको यहां पे कोर्ट मैच पेश किया जा सकता है। चूंकि जिस तरह से ममता केरकेट्टा की तलाश कर रही थी सीबीआई की टीम, और जिससे जब आज जानकारी मिली कि कॉलेज में ही है, हालांकि हर एक दिन की तरह ये नॉर्मल कॉलेज में आ रहे थे, लेकिन कॉलेज में आज कई तरह के समारोह भी थे महिला दिवस के उपलक्ष्य पर। लेकिन आज यहाँ पे जब तमाम लोगों के जब यहाँ पे पहुंचे, तब सीबीआई की सदस्य को टीम ने अपनी टीम के साथ लेकर के इसकी गिरफ्तारी की है। इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो 30 दिसंबर 2019 को 69 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। इसमें से 69 जो थे वो प्रोफेसर के रूप में थे, लेक्चरर के रूप में शामिल थे। इस नियुक्ति में अगर हम कहें 2008 में ये पूरा जो है नियुक्ति हुआ था, लगभग 750 पदों में जो जेपीएससी के द्वारा जो नियुक्तियां की गई थी, 750 पदों पर यह नियुक्तियां हुई थी। इसमें कई प्राइवेट एजेंसियों को चयन की जिम्मेवारी दी गई थी और इसके बाद ये पूरा मामला जो था एक घोटाले के रूप में तब्दील हो गया। पहले विभिन्न जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले की जांच की, फिर बाद में सीबीआई ने इस पूरे मामले के टेक ओवर किया। अब जाकर के इस पूरे मामले में आज एक बार फिर से ममता केरकेट्टा जो है इनकी गिरफ्तारी हुई है, इनको लेकर के पूछताछ कर रही है सीबीआई। अब देर शाम तक हो सकता है कि कोर्ट में भी पेश कर दी जाए। जी चलिए, शुक्रिया इमरान इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल लेक्चरर ममता केरकेट्टा से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम।